ठीक है, ये ड्राइंग शीट हो गया हमारा। और ड्राइंग शीट में जब हम लोग ड्राइंग बनाएंगे तो बनाने के पहले हम लोग को क्या करना है, बॉर्डर लाइन करना है। बॉर्डर लाइन हम लोग कैसे करेंगे, बॉर्डर लाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से सामने से 10 mm ऐसे करके डॉट कर देंगे। जिधर कॉपी मेरा फोल्ड होगा उधर 20, इधर का पेज का लेते तो इधर मेरा फोल्ड हो रहा है ना, तो इधर 20 लेना था। यहाँ पे कॉपी मेरा फोल्ड किधर हो रहा है, इधर ना, तो यहाँ पे हम लोग 20, जहाँ पे फोल्ड होगा उधर 20 लेना है। ठीक है, इधर हम लोग 10 mm छोड़ेंगे। 10 mm के लिए क्या करें, ऐसे करके डॉट करके भी हम लोग क्या किए, 10 mm ले लिए। दूसरा अब हम लोग कैसा प्रोसेस कर सकते हैं, हम लोग का यहाँ ड्राइंग शीट है ना, ये ड्राइंग शीट 90 डिग्री में कटा हुआ होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पेज के सिरा के साथ ऐसे रेफरेंस में रख लेंगे। देखो दोनों लाइन को आपस में टच कर रहा है, दोनों पॉइंट जो दिए ऐसे भी हम लोग सेंटर मान लेंगे। स्ट्रेट लाइन यहाँ से भी मिल जा रहा है क्या, हम ड्राइंग शीट का जो पेज का सिरा है ना उसके साथ हम लोग सेट स्क्वायर को सेट कर दिए। इधर से भी सेम प्रोसेस हम लोग क्या कर पाएंगे, नीचे भी इधर जब खींचना होगा तो हम लोग ऐसे प्रोसेस से कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, इधर से भी मिल रहा है ना हमको, खींचना कहाँ पे, खींचना हमको इधर है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग का मिल गया है जगह, देखो यहाँ पे तो हम लोग को बेस मिल रहा है ना, जैसे देखो एक 10 का इधर से भी हो जा रहा है, 10 का इधर से भी हो जा रहा है। तो इसके लिए देखो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट भी हम लोग 10 का ऐसे डॉट कर देंगे, दूसरा 10 का डॉट हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, इधर हम लोग 20 रखने के लिए 20 एक डॉट किए, 20 एक डॉट किए, एकदम बेसिक स्टार्ट आज दे रहे हैं फिर से, कैसे ड्राइंग शीट में हम लोग बनाने को ठीक करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, यस सर, ठीक है, बॉर्डर लाइन कर लो। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कोई भी आइसोमेट्रिक बनाएंगे, जैसे आइसोमेट्रिक बनाना हो, एलिप्स बनाना हो, या फिर कोई भी ड्राइंग बनाएंगे, बनाने के पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बॉर्डर लाइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बनाने के लिए हम लोग रेफरेंस लाइन प्राप्त करेंगे। रेफरेंस लाइन प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ड्राइंग शीट का किनारा में ये वाला जो इसमें मार्क किया हुआ है ना ब्लैक लाइन, ये लाइन को हम लोग ड्राइंग शीट के किनारा में भी ऐसे रख के स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन मार्क, इससे क्या होगा, हमको यहाँ पे लाइन दे देंगे तो रेफरेंस लाइन मिल जाएगा एक हमको, या फिर हम जो बॉर्डर लाइन किए हैं उससे बेस मानते हुए हम लोग यहाँ रेफरेंस लाइन ऐसे तैयार करेंगे। रेफरेंस लाइन आ गया मेरा, यहाँ तक क्लियर। अब रेफरेंस लाइन आ गया मेरा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेट स्क्वायर का हिस्सा से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फिर ब्लैक वाला लाइन को उस लाइन के साथ मैच कर देंगे। इसका दूसरा हिस्से वाला सेट स्क्वायर को लेते हुए हम लोग लेफ्ट राइट में बढ़ाते हुए जो भी आइसोमेट्रिक बनाना होगा हम लोग उसको बना लेंगे। ठीक है, लेकिन बनाने के पहले हम लोग को ध्यान इसमें देना है, हम लोग जो भी चीज़ को बनाएंगे पहले उसको नोट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए ये ब्लॉक है मेरा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या नोट करेंगे, लेंथ विड्थ हाइट, क्यों ये चीज़ पता रहेगा तो ही तो हम समझ पाएंगे ना कि ड्राइंग शीट में मेरा कितना स्पेस लेगा और स्टार्टिंग हम लोग कर पाएंगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता रहेगा तो ही, नहीं तो क्या होगा, हम लोग पता नहीं रहेगा, बीच में जाएंगे अटक जाएंगे। तो वो चीज़ पहले क्लियर करेंगे, वो चीज़ समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक में देखो हमारा फ्रंट हम लोग इधर से भी मान सकते हैं, फ्रंट हम लोग इधर से भी, कोई साइड से, या फिर क्वेश्चन पेपर में जिधर दिया हुआ रहेगा तभी हम लोग इसको फ्रंट मान लेते हैं। ठीक है,
ये वाला पोर्शन जो हमारा है इसको फ्रंट मान लिए, ये इधर मेरा क्या हो गया बैक साइड हो गया side. और ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा टॉप हो गया, ठीक है। तीन चीज़ है, आइसोमेट्रिक व्यू में हम लोग को कितना 3D में दिखता है, तीनों व्यू में दिखता है, टॉप फ्रंट और साइड। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ये वाला हिस्सा कहाँ दिखता? ये वाला हिस्सा जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, अभी तक जैसे ऐसे दिख रहा है तो एक साइड मेरा दिख रहा है तो वन डायरेक्शनली है। अब ऐसे थोड़ा सा एंगल कर दिए, देखो क्या हमको दिख रहा होगा, तुम इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, फ्रंट से भी दिख रहा है लेकिन साइड से भी दिख रहा है, उसी को थोड़ा सा एंगल दे दिए। अब देखो मेरा फ्रंट भी दिख रहा है, साइड भी दिख रहा है, टॉप भी दिख रहा है, तीनों दिख रहा है ना। सिर्फ ऐसे रखते हैं तो एक हमारा फ्रंट दिखता है, ऐसे थोड़ा एंगल दे दिए तो क्या हुआ 30 डिग्री में, तो मेरा क्या फ्रंट और साइड दोनों दिख गया। अब इसको भी थोड़ा एंगल दे दिए तो क्या हुआ फ्रंट साइड और टॉप तीनों दिख गया। क्लियर? क्लियर। देखो तब इसमें फ्रंट हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा देखो कितना हो गया 40 और यहाँ पे 30, टोटल कितना लंबाई हो गया 70। कितना लंबाई हो गया हमारा 70, ठीक है, लंबाई हमारा 70, इसको नोट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? लंबाई कैसे लिए, फ्रंट जिधर हमारा होगा उधर ही लंबाई रहता है, ठीक है, फ्रंट जिधर रहेगा लंबाई हमारा उधर ही रहता है। अब हमारा लंबाई के बाद चौड़ाई, तो लंबाई अगर हमको फ्रंट में मिलता है चौड़ाई किधर मिलेगा साइड में, तो चौड़ाई हमारा कितना हो गया देखो 25 और 10 35 35 ठीक है, लंबाई हो गया चौड़ाई हो गया। अब बच गया क्या हाइट ऊंचाई देखो हमारा यहाँ पे दिया हुआ कितना 35 और ये वाला तो कुछ तो ऊंचाई होगा ना, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक लाके रोक दिया है, यहाँ से यहाँ इसका ऊंचाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 10 तो कितना हो गया 45। अब इतना चीज हमको पता चल गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो हम लोग बनाने का अभी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखो अब कैसे बनाएंगे, कैसे, तो सबसे पहले हम क्या बोले, ये वाला जो लाइन हमारा प्रोटेक्टर वाला दिया हुआ है, इस लाइन को हम लोग रेफरेंस लाइन के साथ रखेंगे कॉन्टेक्ट में, रख दिए सर। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है हम लोग को, सेट स्क्वायर का दूसरा वाला हिस्सा हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है, और ये 30 डिग्री वाला से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा इसमें सेट स्क्वायर में देखो ये 30 डिग्री का है, ये 90 और ये 60 का है, 30 डिग्री वाला से हम लोग को काम करना है, ठीक है। तो 30 डिग्री वाला में देखो हम लोग यहाँ पे ऐसे रखते हैं सब प्रोडक्ट सही की कर लीजिए, ठीक है, और कोशिश करना ये हिले नहीं, इसको फिक्स रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग एक डॉट मारते हैं ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे इसको रखें कैसे, इसको देखो इसको रखने के लिए ये रेफरेंस लाइन हम लोग कैसे किए थे ये पता, उसके बाद ये रेफरेंस लाइन पे हम लोग इसको सेट किए, ठीक है। इसके बाद ये 30 डिग्री वाला जो एंगल का है ना हमारा, इसमें देखो ये 30 डिग्री का है ना, आइसोमेट्रिक जो बनाएंगे हम लोग 30 डिग्री से बात है, ये 30 डिग्री वाला को सिर्फ हम लोग ऐसे करके रख देंगे, ये रेफरेंस हमारा यहाँ पे रहा, ये 30 डिग्री को ऐसे रखेंगे तो हमारा 30 डिग्री में ही लाइन खींचेगा, इसको कुछ नहीं करना है, ये लाइन हमारा इस लाइन के सीधा में होना चाहिए, ये लाइन जो हमारा दिख रहा है ना ब्लैक वाला, ये रेफरेंस लाइन के ऊपर एकदम सीधा में होना चाहिए, तो इसको हम कहीं पर भी रख सकते। उसके बाद इसको हम यहाँ से यहाँ तक कहीं भी जहाँ ड्राइंग बनाएंगे उस हिसाब से हम लोग रखेंगे, हम जैसे देख रहे हैं हम इधर साइड बनाना चाह रहे हैं, क्यों प्रोजेक्शन इसका हम लोग इधर बना लेंगे, इसीलिए आइसोमेट्रिक बनाने के लिए हम इसको साइड में ले रहे हैं पॉइंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं देखो यहाँ पे इस तरह से हम लोग साइड ले लेते हैं, चलो कहीं भी साइड लेते हुए हम लोग यहाँ पे साइड एक मिनट के लिए देखो यहाँ ले लिए। अब इस तरह साइड लिए तो हम लोग इधर पता चल रहा है मेरा क्या है फ्रंट है, बायां साइड में भी मेरा फ्रंट है, दाहिना साइड में हमारा साइड है, फ्रंट मतलब लंबाई मतलब 70 दिया हुआ, मतलब 70 हमको इधर बढ़ना है, तो हम लोग 70 इधर बढ़ जाएंगे, क्लियर, 70 बढ़ गए। अब दाहिना साइड हमारा क्या बढ़ेगा, साइड बनेगा, साइड हमारा कितना दिया हुआ 25 और 10 35, तो राइट साइड में 35 बढ़ेगा, तो कुछ नहीं करना, ये सेट स्क्वायर यहाँ देखो ये सेट स्क्वायर ऐसे रखे थे, इसी को सिर्फ पलटना है, इसको फिक्स ही रखना है, इसी को सिर्फ पलट दिया, क्लियर समझ में आया, इधर जैसे था इधर हमारा ऐसे है, इसको सिर्फ ऐसे पलट देना, यूज हमेशा ये 30 डिग्री वाला ही करना है, ठीक है, फिर इसी पॉइंट से रख के ऐसे करके हम लोग खींच दिए। अब हम लोग को बोला गया था कितना है चौड़ाई हमारा 35, तो इधर ग्रेजुएशन नहीं था, तो इसके लिए हम लोग कुछ लंबाई से अंदाज से खींच लिए,
उसके बाद हम लोग 35 पैसे करके डॉट कर दिए। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके बाद देखो जैसा हम कोई ऑब्जेक्ट बोलेगा अब हम लोग ऐसे बनाएंगे। ऐसे देखो ऊंचाई हमारा पहले कोई भी, हम इधर से भी बनाने का स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी बनाने का स्टार्ट हम लोग कर सकते हैं, कहीं से भी हम लोग इसका स्टार्टिंग ले सकते हैं। तो हम लोग कोई भी एक कोना पकड़ लो, या तो ये कोना पकड़ेंगे तो यहाँ है, देखो यहाँ पे पकड़ेंगे तो ये कोना पहुँच गया, यहाँ पे पकड़ेंगे तो हम लोग का ये कोना हो गया। ठीक है, ये कोना हम लोग कोई भी, इसका भी ऊंचाई हमारा दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, इसका देखो कितना दिया हुआ है 10। तो हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप पकड़ते हैं, देखो इसको ऐसे करके रख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या बना रहे हैं, ये पीछे वाला हिस्सा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब ऊंचाई में जाना है तो हम लोग को क्या करना है, 90 डिग्री वाला ले लेंगे ऊंचाई में जाने के लिए, और कुछ करना ही नहीं है। तो हम लोग देखो यहाँ पे 10 हम लोग ऊंचाई में बढ़ जाते हैं, ऐसे चेक किए और 10 mm में हम लोग इसको डॉट कर लेते हैं, डॉट कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? अब ऊंचाई यहाँ पे आने के बाद देखो इसमें कुछ बेस बन गया है, कुछ इधर दूरी पे आया है, ये इस चबूतरा को बना दिया है, स्लॉप बना है ना यहाँ पे। अब कैसे स्लॉप है क्या है ये तो नहीं पता है, पर यहाँ पॉइंट तक तो पहुँच गए ना, यहाँ से यहाँ ऊंचाई गए, यहाँ से यहाँ ऊंचाई आ गए, तो हमको क्या हुआ यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ फिर क्या क्या करेंगे, दायां और बायां बढ़ा देना है सेट स्क्वायर से। तो कैसे बढ़ाना है वो देखो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें क्या करना है, जहाँ भी जो स्टेप बनाना है दायां बायां बढ़ा देना, ऊंचाई में जाना है तो हम लोग को कितना करना है 30 डिग्री। देखो ऐसे दायां बढ़ा दिए, देखो सेट स्क्वायर को ही खाली पलट रहे हैं, इधर के लिए इधर बढ़ा दिए। ठीक है, अब हमको पता तो नहीं है कि इधर क्या जाना था, तो हमको यहाँ तो दिया हुआ है ना, यहाँ इधर कितना आना था 15 तक। तो यहाँ देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे सेट स्क्वायर को रखेंगे और हम लोग 15 पे डॉट कर, गेट से 15 पे डॉट कर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? 15 हो गया। उसके बाद देखो दूसरा हमारा क्या हो गया, इधर इधर हमारा कितना है 35। तो यहाँ पे देखो हमारा ये क्या है, यहाँ तो 15 तक आया लेकिन इधर हमारा कंप्लीट है, 35 हमारा क्या है पूरा है। तो यहाँ पे हम लोग 35 को ऐसे रखते हैं, फोकस ड्राइंग शीट पे रखना। ठीक है, 35। अब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे फिर से वही काम करना है। अब फिर से वही क्या काम करना है, फिर से इसको हम लोग एक मिनट देखो, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे एक लाइन हम लोग बढ़ा दिए इधर से, एक लाइन हम लोग ऐसे करके इधर से बढ़ा देंगे, ऑटोमेटिक एक जगह पे जाके वो कट जाएगा। तो देखने में हमको क्या मिलेगा, पीछे का हिस्सा बन गया, पीछे का हिस्सा ऊंचाई वाला बन गया। अब यहाँ पे हम लोग तो पहुँच गए, यहाँ पे आने के बाद फिर ऊंचाई है, कितना ऊँचाई है 35 है ना। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फिर से इस सेट स्क्वायर को जैसे बेस पकड़ेंगे, ये ऊंचाई तक हम लोग पहुँच गए थे, इस ऊंचाई से हम लोग क्या करेंगे 35 चल जाते हैं। 35 हमारा कहाँ है, यहाँ पे हुआ 35 डॉट कर दें, क्लियर। देखो ये 35, ठीक है, ठीक है, 35 तक पहुँच गए यहाँ पे ऊंचाई। अब वहाँ पे हम लोग कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे, यहाँ पे भी क्या करना है हमको, दायां बायां चौड़ाई में बढ़ा देना है, वही करना है ना। फिर से देखो 30 डिग्री में हम लोग ले लेते हैं इसको, यहाँ पे भी पहुँचने के बाद हम लोग 30 डिग्री में बढ़ते हैं। बढ़ गया हम लोग 30 डिग्री। ठीक है, अब किधर कितना बढ़ना था वो तो यहाँ मेरा मेंशन है, ये वाला हिस्सा हमारा कितना है 15, इधर 15 और इधर कंप्लीट 35। ठीक है, ये 15 पे हम लोग इसको डॉट कर देते हैं, बस ऊपर जो पीछे दिखेगा ना, ये 15 ऊपर 15। ठीक है, इधर हमारा कितना है 35। तो इधर हम लोग सेट स्क्वायर से ऐसे करके हम लोग यहाँ 35 चेक कर लेते हैं, 35, क्लियर क्लियर। और कुछ कन्फ्यूजन नहीं? यहाँ से अब हम लोग को देखो कुछ दूरी पे जाने के बाद ये फिर से मुड़ा हुआ है, क्या है कुछ ये चीज़, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए ना, यहाँ से इधर जाने के बाद फिर ये मुड़ गया है, कितना दूरी जाके मुड़ा है, यहाँ देखो लिखा हुआ है 25 दिया, मतलब ये वाला लाइन हम लोग 35 गए लेकिन ये वाला लाइन हम लोग 25 में जाने के बाद फिर इधर मुड़ जाना है दाएं ओर। तो
ये वाला लाइन हम लोग मार दिए, वो वाला लाइन को कितना दूरी तक जाना है हमको? 25 25 25 पे आके हम लोग पॉइंट करते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा रब बढ़ दो। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान करना है, एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान करना है। देखो अब हम लोग ऑब्जेक्ट को देख किधर से रहे हैं, इधर से रहा है ना, तो ये चीज़ जब हम लोग देखेंगे तो पीछे का ये चीज़ हमको दिखता है क्या? नहीं नहीं ना दिखता है। तो जो चीज़ नहीं दिख रहा है वो ये मेरा लाइन हो गया ना, इसके पीछे वाला हिस्सा कुछ भी नहीं दिख रहा है ना हमको, इसका पीछे वाला हिस्सा कुछ भी नहीं ना दिख रहा है, तो इसके पीछे जो भी ये सब हमारा बना तो क्या होगा? नहीं दिखेगा। हम लोग तो वो स्टार्टिंग और स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए किए थे ना, इसलिए उसको रफ नहीं किए थे। जो चीज़ नहीं दिखेगा वो हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। अब देखो हम ये डायरेक्ट देखने पे हमको देखो ये एल जैसा स्टेप आ रहा है, हमको एल जैसा स्टेप मिल रहा है। ये स्टेप देखो सीधा कंप्लीट नीचे आ गया है ना, यहाँ पे ये जो स्टेप है ये कंप्लीट नीचे आया है ना, तो देखो उसको भी नीचे उतार देते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप खाली ध्यान रखना, और कुछ करना ही नहीं था। कंप्लीट नीचे आया था, कंप्लीट नीचे आ गया। देखो मेरा पीछे एल था, एल बन गया। ऊपर सीढ़ी जैसा था, ऊपर भी एक एल है, एल जैसा बनने के लिए कि यहाँ लंबाई 35 था, यहाँ 25 था, पहुँच गए हैं। अब हम लोग दोनों में राइट बढ़ जाते हैं खाली, दोनों में हम लोग राइट से लोग बढ़ते हैं। राइट बढ़ने के लिए क्या करेंगे? 25 इधर देखो सेट स्क्वायर से हम लोग इसको, इधर भी हम लोग ऐसे बढ़ गए और यहाँ पे भी हम लोग इसको बढ़ गए, ठीक है, यहाँ पे बढ़ गए। अब ऑटोमेटिक जो भी चौड़ाई यहाँ पे रह गया होगा, इसका तो यहाँ दिया हुआ है कितना, 10। तो देखो यहाँ से यहाँ 35 था, यहाँ से यहाँ 10 गए, तो यहाँ बीच में तो 10 ही बचा ना मेरा, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइन जो हमारा हुआ था उसको रफ कर दिए। अब इसमें भी देखो ये लाइन कहाँ से कितना दूरी तक का है, तो हमारा देखो इसमें मेंशन कर दिया, यहाँ से यहाँ देखो मेरा कितना था, 30 था, यहाँ से यहाँ 40 है, यहाँ से यहाँ अगर 40 है, ये वाला स्टेप हमारा कितना है, 20, तो ये भी कितना बचेगा, 20, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा 20 में एक डॉट करेंगे। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर, तो 20 से नीचे आएगा, अंदर वाले हिस्से से हमारा 20 है ना, तो अंदर वाले हिस्से से देखो 20 पे हम लोग इसको डॉट कर देते हैं। क्लियर? अब इसको फिर हम लोग मिला देते हैं। खाली प्रोसेस ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप कुछ भी बनाने में नहीं है, आइसोमेट्रिक बनाना सबसे इजी। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे इस कोना तक पहुँच गए, अब फिर हम लोग सीढ़ी नीचे उतार दिया है, सीढ़ी कितना नीचे उतारा है, 20। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से भी नीचे ले आएंगे लाइन, इस पॉइंट से भी नीचे लाते हैं लाइन, तो इसको फिर से बेस पे हम लोग बैठा दिया। इस पॉइंट से भी हम लोग क्या करते हैं, एक साइड से खाली चलने का स्टार्ट करना, ऐसे करके लाइन नीचे ले आए, इधर से भी लाइन हम लोग क्या किया, नीचे ले आए, कितना नीचे लाना था, 20, तो 20 हम लोग ऐसे करके मार्क कर देते हैं, 20। ठीक है, इसको फिर बेस में ऐसे बैठा देते हैं। बैठाने के बाद इस हिस्से से हम लोग इसको कट कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो जब हमारा यहाँ तक बन गया, इसके बाद क्या है, हमारा दोनों राइट की ओर बढ़ गया, कितना 20 दूरी बढ़ा है, 20 एम एम, तो हम लोग राइट की ओर दोनों को 20 एम एम बढ़ा देते हैं। ठीक है, ईजी है, लेकिन प्रोसेस पता रहेगा तब ना भूलेगा नहीं, चाहिए क्वेश्चन सही बनेगा, क्वेश्चन में भी तो ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा ना, क्वेश्चन सही तो समझना, बस एक बार समझ जाएगा तो कैसा भी ड्राइंग आइसोमेट्रिक बनाने का रहेगा तुम लोग देखते देखते बना लेगा। और इतना ड्राइंग इसका वीडियो में बता चुके हैं, क्लास में बता चुके हैं, इसके बाद भी नहीं सीख पाएगा तो मेरा क्या गलती। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया, क्लियर। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ से क्या है हमारा, यहाँ तक पहुँच गए,
अब इस कोने को डायरेक्ट मिलाएंगे तो नीचे मिलना चाहिए, मतलब तब सही हो जाएगा, ये हिस्सा भी हमारा नीचे आना चाहिए। तब देखते हैं क्या होता है मेरा। आया इसके बाद देखो अब हमारा क्या बचा है। यहाँ पे यहाँ तक हम लोग आ गए, ये हमारा यहाँ पे क्या है स्लॉट कटा हुआ है, कहाँ से कटा हुआ है, ये 10 वाले से ही कटा है ना, और ये यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से 30, इधर से 30 और इधर से 10 से। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, देखो ऐसे ही सिर्फ सेट स्क्वायर हम लोग रखते हैं, यहाँ से कटा हुआ है ना देखो अंदर, तो इसी पॉइंट से हम लोग ऐसे लाइन इधर बढ़ा दिया, ठीक है। इस पॉइंट से हम लोग ऐसे लाइन बढ़ा देंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक सब लाइन मिला। अब जो एक्स्ट्रा चीज था उसको हम लोग रफ कर देते हैं, कौन सा पार्ट टूट जाएगा इसको बनाने में बताओ, कुछ था इसमें बस तुम लोग क्या स्टेप भूल जाता है, मेन इसमें प्रॉब्लम क्या स्टेप, स्टार्टिंग करना है कुछ नहीं करना है हमको, दायां बायां चलने के लिए 30 डिग्री वाला सेट स्क्वायर का ले लेंगे, दायां बायां चलने के लिए क्या करेंगे 30 डिग्री कर लेंगे इधर से और इधर से, दायां बायां हो गया। ऊंचाई जाने के लिए 90 डिग्री एक ही, इसको हमेशा चलाना और इसको बेस देना है, गलती भी बनेगा, बनाते रहो तो ही तो सुधरेगा, क्योंकि पता तो तुमको चले तुम गलती कर कहाँ रहे, तुम अक्सर गलती क्या करेगा, हमको 30 डिग्री इधर मोड़ना था, तुम गलती से इधर मोड़ने की कोशिश करेगा, तो जैसे मोड़ेगा ना तो ड्राइंग शीट में तो वो तो ऑटोमेटिक लाइन में ही आ जाएगा, इधर मिस्टेक तो होने का चांस नहीं है, इसको इधर घुमाएगा तो ही तो ये स्टेप देगा ना, तो फिर मिस्टेक कहाँ होना है, मिस्टेक कहीं होना नहीं है। अब इतना हो गया, अब इसको हम लोग क्या करते हैं डायमेंशनिंग कर देते हैं, अब देखो इसको हम लोग डार्क कर देते हैं, थ्री डायमेंशनल व्यू हो गया, दो मिनट रुक जाओ हमको इसको कंप्लीट करने दो, उसके बाद फिर से तुम लोग डिस्कस कर लो, दो मिनट रुक जाओ। सर इसमें जो डायमेंशन जो जो लगा जितना है वो तो मैं करना होगा, टिपुट करना होगा, हाँ वो हम बता रहे हैं, ठीक है। ड्राइंग जब बन जाए तो इसको क्या करेंगे हम लोग, गाढ़ा कर देंगे, डार्क कर देंगे, ठीक है। ये वाला जो उसका ट्रायंगल नजर आ रहा है बाहर वाला वही वाला है ना, कौन सा ये पोर्शन, ये अब हम लोग इसका डायमेंशनिंग को देखते हैं, डायमेंशनिंग कैसे करें, डायमेंशनिंग करने के लिए क्या बताए हैं हम, वो तो एरो हेड का था, यहाँ पे क्या बताए थे 10 mm खींचना होता है, 10 mm में 2 mm पहले गैप देना है और 8 mm नीचे इस तरह से खींच के लेना है, जो हल्का लाइन होता है सर हर जगह पे वही करना है, क्या करना है 2 mm गैप और 8 mm तक नीचे खींचना है, और फिर इधर से जब लाइन खींचेंगे तो क्या करेंगे 2 mm ऊपर में इस तरह से रख के हम लोग लाइन को बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें इस तरह से 3:1 का रेशियो में एरो हेड बनाएंगे,
3:1 मतलब 3 mm लंबा 1 mm चौड़ा, ठीक है, हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ से इधर दिखाने के लिए भी हम लोग कंटिन्यूस ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है, 2 mm गैप छोड़ना था, अभी दर्शन और लाइन को मिलाते हुए आइसोमेट्रिक में किसी को दिक्कत रहा क्या? नहीं सर। ठीक है, सब में क्या करना है, एरो हेड बना देना है, और कोशिश करना है सारा डायमेंशन को दे देना, एक भी डायमेंशन छोड़ना नहीं है। हमारा सारा डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक का हो गया, यहाँ से 2 स्टेप में हमको कंप्लीट मिल गया, तो यहाँ से यहाँ इसका निकल जाएगा, इसका हम यहाँ दे दिए हैं, इसका यहाँ से दे दिए हैं, इसका यहाँ से यहाँ तक दे दिए हैं, एक हम लोग खाली इसका लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखो कितना क्या था, इधर हमारा कितना था, 40 था, ये 15 था, ये हमारा कितना था, 15 था, ये हमारा कितना, 20। इधर हम लोग अंदर लिखें तो इसका अपोजिट जो लिखेंगे बाहर हो जाएगा, इधर इसलिए बाहर लिखे तो यहाँ पे हमारा अंदर हो जाएगा, ये 20। सर ये मतलब क्या है, ये मतलब ये इधर वाला है, ये इधर वाला है, बता रहे हैं क्या, ये हमारा 25 है, ये 20 है, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 35। अच्छा ये जो लाइन जो खींचे उसी को बता रहे हैं, हाँ ये सब लाइन जो खींचे, अब डायमेंशन है किसका कितना है, ठीक है, 10 जैसे ये यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना है, 10 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 15 है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 15 है, यहाँ से यहाँ कितना है, 25 है, यहाँ से यहाँ कितना है, 40 है, इसका मोटाई कितना है, 10 है, इसका ऊंचाई कितना है, 25 है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 20। इसका ऊँचाई 25 है, उसका ऊँचाई 25 है, इसका ऊंचाई फिर 20 है, टोटल मेरा कितना है, 45 है, ये मेरा 20 दिया हुआ, तो नीचे 25 बचेगा ना, ठीक है, कंप्लीट पूरा हो गया, नीचे बनाने के बाद लिख देना है ऑल डायमेंशन आर इन एमएम, ठीक है। ठीक है, चलो बनाओ।